फर्स्ट बाइट की खबरें लगातार देखने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा तलवार और आप देख रहे हैं फर्स्ट बाइट टीवी। जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटने के बाद से वहां के हालात पहले से और भी ज्यादा संवेदनशील हो गए हैं। धारा 370 हटने के बाद 2 महीने हो चुके हैं, लेकिन वहां का माहौल लोगों के लिए अभी भी इस लायक नहीं है कि वो घर से बाहर निकल पाए। लोग घरों के भीतर खुद को कैद किए हुए हैं और जब से पाकिस्तान स्थित जैश के ठिकानों के सक्रिय होने का पता लगा है, कश्मीर में सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। अपनी हरकतों से कभी बाज न आने वाला पाकिस्तान लगातार भारत पर निगाहें गड़ाए बैठा है। शनिवार दोपहर जम्मू कश्मीर के अनंतनाग में सुरक्षा बलों पर आतंकियों ने हमला कर दिया। बताया जा रहा है कि आतंकियों ने सुरक्षा बलों पर ग्रेनेड से हमला किया है। यह हमला अनंतनाग के डिप्टी कमिश्नर ऑफिस के बाहर गेट पर हुआ। हमले में 10 लोग घायल हो चुके हैं, जिनमें से एक ट्रैफिक पुलिसकर्मी भी शामिल है। आतंकियों द्वारा लगातार ये हमले केवल धारा 370 हटने के बाद उसके विरोध में किए जा रहे हैं। जाहिर है पाकिस्तानी आतंकी भारत सरकार द्वारा उठाए गए कड़े कदमों के बाद से बौखला चुके हैं। इसी बीच अनंतनाग में इस हमले को अंजाम दिया गया तो वहीं LOC में भी पिछले कई दिनों से आतंकी भारतीय सीमा में घुसपैठ करने की कोशिशों में लगे हुए हैं। इसमें पिछले हफ्ते ही जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के बीच 2 अलग-अलग जगहों पर एक साथ मुठभेड़ की घटना सामने आई थी। बड़ी बात ये रही कि इस घटना में 6 आतंकवादी मारे गए, जिनमें से 3 पाकिस्तानी नागरिक थे और मुठभेड़ में 1 जवान शहीद हुआ। इतना ही नहीं बल्कि 2 पुलिसकर्मियों को भी अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। यहाँ आपको बता दें कि आतंकियों पर नजर रखने के लिए इंटेलिजेंस इनपुट की मदद ली जा रही है। इंटेलिजेंस इनपुट के आधार पर नियंत्रण रेखा और अंतरराष्ट्रीय सीमा पर भारतीय सुरक्षा एजेंसियों की खास चौकसी बरती जा रही है। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स में नियंत्रण रेखा के उस पार आतंकियों के मूवमेंट की बात कही गई, तो वहीं खुफिया जानकारी के मुताबिक इस बात का दावा किया गया कि कहीं ना कहीं आतंकी भारत में किसी बड़े हमले को अंजाम देने की कोशिश में लगे हुए हैं। इसीलिए भारतीय सेना पूरी तरह से सख्त हो चुकी है। लगातार सुरक्षा व्यवस्था को और भी ज्यादा कड़ा कर दिया गया है। तो फिलहाल मुझे इजाजत दीजिए, फिर से लौटेंगे ऐसी ही और बड़ी खबरों को लेकर। नमस्कार।